का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज के टॉपिक में। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, उसी क्वेश्चन को आज हम आपको सॉल्व करके देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हमारा जो वीडियो है DRDO सबटर्म 10 मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी मॉक टेस्ट, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाद पिछले पेपर में भी जो क्वेश्चन पूछे गए तो वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते आज का जो हमारा वीडियो है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ओनली फॉर फिनिशिंग एंड मेंटेनिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ थ्रेड। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग केवल थ्रेड के सही रूप को पूरा करने और बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टैप, दूसरा थ्रेडिंग टूल, तीसरा थ्रेडिंग चेजर और चौथा ऑप्शन है टिप टूल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग केवल थ्रेड के सही रूप को पूरा करने और बनाए रखने के लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रेडिंग चेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेलीस्टॉक स्पिंडल हैविंग लेफ्ट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड वाले टेलीस्टॉक स्पिंडल का क्या फायदा है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है अवॉइड एडवांसमेंट ऑफ बैरल व्हेन रोटेटेड क्लॉकवाइज, दूसरा ऑप्शन है इंश्योर दैट द बैरल एडवांटेज विथ क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ हैंड व्हील, तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस द ट्रेडेंसी ऑफ एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द बैरल, और चौथा ऑप्शन है अवॉइड जैमिंग ऑफ स्पिंडल एंड हैंड व्हील। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेफ्ट हैंड के थ्रेड वाले टेलीस्टॉक स्पिंडल का फायदा क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंश्योर दैट द बैरल एडवांस विथ क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द हैंड व्हील, मतलब सुनिश्चित करें कि बैरल हैंड व्हील क्लॉकवाइज गति के साथ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ड्रिलिंग शुड बी डन एट। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेंटर ड्रिलिंग हम कौन से स्पीड पर, कौन से RPM पर किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है कि सेंटर ड्रिलिंग रिक्त स्थान पर किया जाना चाहिए। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हायर RPM भी था स्लोअर फीट, मतलब बहुत ज़्यादा RPM और स्लो फीट के साथ। दूसरा ऑप्शन है बहुत ज़्यादा RPM और बहुत ज़्यादा फीट के साथ। तीसरा ऑप्शन है स्लो RPM और हायर फीट के साथ। चौथा ऑप्शन है स्लो RPM विथ स्लो फीट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेंटर ड्रिलिंग रिक्त स्थान पर किया जाना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हायर RPM भी था स्लोअर फीड। और जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन के, पूरे क्वेश्चन के PDF आपको लिंक पे PDF के तौर पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है चौथे नंबर का, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर कटिंग लॉन्ग एंड नैरो एक्सटर्नल टेपर थ्रेड। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंबे और नैरो एक्सटर्नल थ्रेड, एक्सटर्नल टेपर थ्रेड को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड, दूसरा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट मेथड और चौथा ऑप्शन है एथर ए और बी, मतलब ऑप्शन ए और बी। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि लंबे और नैरो एक्सटर्नल टेपर थ्रेड को काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथर ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए, जो टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड से भी कटिंग कर सकते हैं हम और दूसरा टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड के सहायता से भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ग्रो ऑफ कास्ट आयरन पुली हैव टू बी फाइन टर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क होल्डिंग मेथड गिव द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रिसिटी। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कास्ट आयरन पुली के भी खांचे को ठीक करना होगा, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यधारण विधि उच्चतम कॉन्सेंट्रिसिटी प्रदान करती है। इसके लिए पहला ऑप्शन है होल्डिंग बिटवीन अ फोरजा चक एंड रिवॉल्विंग सेंटर, दूसरा ऑप्शन है होल्डिंग बिटवीन द थ्रीजा चक एंड सपोर्टिंग विद अ पाइप सेंटर, तीसरा ऑप्शन है होल्डिंग ऑन अ स्प्लिट मैंड्रिल एंड मशीनिंग बिटवीन सेंटर, चौथा ऑप्शन है होल्डिंग ऑन अ कोन मैंड्रिल एंड मशीनिंग बिटवीन सेंटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक वी ग्रूप पुली है जो फाइन फिनिश के साथ टर्न किया हुआ है, अगर उसकी अगर एक्यूरेटली कॉन्सेंट्रिसिटी हमें अगर मिलाना है तो उस समय कौन से मेथड से हम मिला सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होल्डिंग ऑन कोन मैंड्रिल एंड मशीनिंग बिटवीन सेंटर, मतलब कोन मैंड्रिल पर जॉब को पकड़ना है और बिटवीन सेंटर के ऊपर मशीनिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होल इज ड्रिल इन अ लेथ बाय यूजिंग डायमीटर 10 mm स्ट्रेट शैंक ड्रिल इन हेल्ड ड्रिल चक, आफ्टर अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ अ ड्रिल इट रोटेट अलॉन्ग विद द वर्क।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केस ऑफ द डिफेक्ट, जो क्वेश्चन में पूछा गया कि 10 mm ड्रिल स्ट्रेट शैंक ड्रिल के सहायता से ड्रिलिंग किया जा रहा है तो कुछ दूरी चलने के बाद वह जॉब के साथ घूमने लगता है, तो इसका कारण क्या है यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है चिप्स गेटिंग क्लोज, मतलब चिप्स बाहर ना निकलने की वजह से वह ड्रिल जॉब के साथ घूमता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है सेंटर नॉट अलाइन, मतलब सेंटर अलाइनमेंट में नहीं है, तीसरा ऑप्शन है सपोर्टिंग एट द सेंटर नॉट डन, मतलब सपोर्ट बराबर से मिला नहीं है, या फिर चौथा ऑप्शन है फीडिंग बाय टेलीस्टॉक हैंडवेल इज टू स्लो, मतलब टेलीस्टॉक से जो फीड दिया जा रहा है वो बहुत स्लो फीड दिया जा रहा है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक स्ट्रेट शैंक ड्रिल 10 mm ड्रिल का अगर हमें ड्रिलिंग करना है जॉब के ऊपर, तो ड्रिलिंग करते समय कुछ दूर चलने के बाद वह ड्रिल जॉब के साथ घूमने लगता है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है चिप्स गेटिंग क्लोज, मतलब जस्ट जैसे ड्रिलिंग करते तो ड्रिलिंग करते समय चिप्स बाहर ना निकलने की वजह से वह जॉब के साथ घूमने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अनेबल अ नट टू फिट प्रॉपरली ऑन अ बोल्ट ऑफ स्क्वायर थ्रेड विथ विड्थ ऑफ द इंटरनल स्क्वायर थ्रेडिंग टूल शुड बी, जो क्वेश्चन में पूछा गया कि स्क्वायर थ्रेड के बोल्ट पर नट को ठीक से फिट करने के लिए इंटरनल स्क्वायर थ्रेडिंग टूल की विड्थ होनी चाहिए, क्या कितनी होनी चाहिए यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लाइटली मोर देन द हाफ पिच, मतलब पिच के आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, दूसरा ऑप्शन है स्लाइटली लेस देन द हाफ पिच, मतलब पिच के आधा से थोड़ा कम, तीसरा ऑप्शन इक्वल टू द हाफ पिच, पिच के आधा के बराबर, और चौथा ऑप्शन इक्वल टू द पिच, पिच के बराबर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्वायर थ्रेड के बोल्ट पर नट को ठीक से फिट करने के लिए इंटरनल स्क्वायर थ्रेडिंग टूल की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्लाइटली मोर देन द हाफ पिच, मतलब आधे पीस से थोड़ा अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेजुएशन आर्क मार्क एट द बेस ऑफ द टेलीस्टॉक ऑप्स टू ऑपसेट द बॉडी दिस ग्रेजुएशन आर इन गिवन इन, जो क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रेजुएशन को टेलीस्टॉक के आधार पर चिन्हित किया जाता है बॉडी को ऑपसेट करने के लिए, ये ग्रेजुएशन अंदर दिए जाते हैं, तो ये कौन से फॉर्म में होते हैं यही क्वेश्चन में पूछा है टेलीस्टॉक ऑपसेट मेथड में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिग्री, दूसरा ऑप्शन है टेपर पर फुट, तीसरा मिलीमीटर, चौथा है रेडियन। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि ग्रेजुएशन को टेलीस्टॉक के आधार पर चिन्हित किया जाता है बॉडी को ऑफसेट करने के लिए, ग्रेजुएशन कौन से फॉर्म में दिए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेपर पर फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फेस प्लेट इज हेल्ड एट, एक फेस प्लेट को किस पर होल्ड किया जाता है यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन हेडस्टॉक स्पिंडल पर, दूसरा ऑप्शन है टेलीस्टॉक पर, तीसरा टूल पोस्ट पर, या फिर चौथा ऑप्शन है बेड पर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फेस प्लेट को कहां पर होल्ड किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेडस्टॉक स्पिंडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टूल विच इज यूज टू एनलार्ज द प्रीवियसली ड्रिल होल इज नोन एज, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक उपकरण जिसका उपयोग पहले से ही ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है फेसिंग टूल, दूसरा टर्निंग टूल, तीसरा फॉर्म टूल, चौथा बोरिंग टूल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक उपकरण जिसका उपयोग पहले से ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने के लिए किया जाता है तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी बोरिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फ्यूचर ऑफ टेलीस्टॉक, निन्वा में से कौन सा टेलीस्टॉक की विशेषता नहीं है यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन इट होल्ड द जॉब, मतलब टेलीस्टॉक जॉब को पकड़ता है, फिर दूसरा ऑप्शन ड्रिल एंड रिमर कैन बी माउंटेड ऑन इट, मतलब ड्रिल और रिमर इसके ऊपर हम होल्ड कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है डेड सेंटर इज माउंट ऑन स्पिंडल, मतलब टेलीस्टॉक के स्पिंडल पर हम डेड सेंटर को फिट कर सकते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है इट कैन बी यूज फॉर टेपर टर्निंग बाय ऑफसेट मेथड, मतलब इसे हम टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड के साथ टेपर टर्निंग करते समय यूज कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा टेलीस्टॉक की विशेषता नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है इट होल्ड द जॉब, मतलब यह जॉब को होल्ड करता है, यह इसकी विशेषता नहीं है, टेलीस्टॉक जॉब को पकड़ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिक्स एंगल इज फाउंड ऑन, हेलिक्स एंगल कहाँ पाया जाता है यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फीड रॉड ऑफ द लेथ, लेथ मशीन के फीड रॉड पर, दूसरा थ्रेडिंग टूल पर, तीसरा थ्रेडेड जॉब पर, या फिर चौथा टेपर टर्निंग अटैचमेंट पर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हेलिक्स एंगल कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी थ्रेडेड वर्क पीस, मतलब जिस जॉब के ऊपर हम थ्रेडिंग करते हैं उस जॉब के ऊपर हेलिक्स एंगल पाया जाता है, हेलिक्स एंगल ज़्यादातर थ्रेड के ऊपर ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कट 20 mm इंटरनल स्क्वायर थ्रेड विथ अ पिच ऑफ 2.5 mm द कोर डायमीटर शुड बी, अगर हमें 20 mm का इंटरनल स्क्वायर थ्रेडिंग कट करना है जिसका पीच है 2.5 mm, तो इसका माइनर डायमीटर कितना रखा जाता है यही क्वेश्चन में पूछा है। कोर डायमीटर मतलब माइनर डायमीटर।
लिए पहला ऑप्शन है 17.5 mm, दूसरा ऑप्शन 18.5 mm, तीसरा ऑप्शन है 20 mm, चौथा ऑप्शन है 22.5 mm। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक स्क्वायर इंटरनल स्क्वायर थ्रेडिंग करना है हमें 20 mm का, जिसका पीच है 2.5 mm, तो इसके लिए माइनर डायमीटर कितना रखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17.5 mm, मतलब जो मेजर डायमीटर होता है इससे डायरेक्टली हमें पीच माइनस कर देना है तो हमारा माइनर डायमीटर आ जाता है, मतलब 20 mm से 2.5 mm माइनस किया तो 17.5 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द टूल लाइफ, टूल लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टाइम बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग अ जॉब, दूसरा ऑप्शन है टोटल टाइम फॉर टर्निंग वर्क इंक्लूडिंग रिगार्डिंग ऑफ टूल, तीसरा ऑप्शन है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव रिग्राइंड्स, और चौथा ऑप्शन है टाइम बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ मेटल कटिंग एंड टूल वेयर आउट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टूल लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव रिगार्ड्स, मतलब दो लगातार रिगार्ड्स के बीच का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैप बेड लेथ द गैप इज प्रोवाइडेड, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेत मशीन के जो गैप बेड होते हैं तो गैप बेड क्यों प्रोवाइड किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जस्ट बिलो द नोज ऑफ द हेडस्टॉक स्पिंडल, दूसरा ऑप्शन है जस्ट बिलो द स्पिंडल ऑफ द टेलस्टॉक, तीसरा ऑप्शन है इन द मिडिल ऑफ द बेड, चौथा ऑप्शन है एनीवेयर इन द बेड। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन का जो गैप बेड होता है तो गैप बेड कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है लेथ मशीन का, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जस्ट बिलो द नोज ऑफ द हेडस्टॉक स्पिंडल, हेडस्टॉक स्पिंडल नोज के एकदम नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द लेंथ ऑफ टेपर कट बाय द कंपाउंड स्लाइड मेथड, कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा काटे गए टेपर की लंबाई को निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन टेलस्टॉक, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा क्रॉस स्लाइड, चौथा है सैडल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा काटे गए टेपर की लंबाई को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टॉप स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट इट्स यूज टू टर्न अ बॉल ऑन अ सेंटर लेथ विथ अ सिंगल पॉइंट टूल, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर हमें लेथ मशीन पर बॉल टर्निंग करना है कॉम्बिनेशन मूवमेंट के साथ, तो उस समय कौन कौन सा पार्ट के साथ कॉम्बिनेशन मूवमेंट दिया जाता है सिंगल पॉइंट टूल के साथ, तो यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैरेज एंड कंपाउंड स्लाइड आर यूज, मतलब कैरेज और कंपाउंड स्लाइड का उपयोग करके, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड का उपयोग करके, तीसरा ऑप्शन है कैरेज और क्रॉस स्लाइड का उपयोग करके, और चौथा ऑप्शन है कंपाउंड स्लाइड एंड एप्रन का उपयोग करके। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के साथ अगर हमें बॉल टर्निंग करनी है लेथ मशीन पर, तो उस समय कौन कौन से पार्ट का उपयोग करके बॉल टर्निंग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रॉस स्लाइड एंड कंपाउंड स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेंट्रिक टर्निंग इन करेक्ट, एक्सेंट्रिक टर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इन अ एक्सेंट्रिक शाफ्ट द सेंटर ऑफ द इंडिविजुअल डायमीटर आर डिस्प्लेड, दूसरा ऑप्शन एक्सेंट्रिक शाफ्ट कैन बी टर्न बाय होल्डिंग इट इन थ्रीजा चक, तीसरा ऑप्शन है हायर स्पीड इन चूजन फॉर एक्सेंट्रिक टर्निंग, और चौथा ऑप्शन है इट इज प्रेफर टू गिव मोर डेप्थ ऑफ कट इन द बिगिनिंग वाइल टर्निंग एन एक्सेंट्रिक शाफ्ट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्सेंट्रिक टर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इन अ एक्सेंट्रिक शाफ्ट द सेंटर ऑफ द इंडिविजुअल डायमीटर आर डिस्प्लेड, मतलब एक एक्सेंट्रिक शाफ्ट में व्यक्तिगत व्यास के सेंटर प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस प्लेट इज यूज फॉर टर्निंग, फेस प्लेट का उपयोग करके कौन सी टर्निंग की जाती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रेगुलर शेप जॉब, मतलब रेगुलर आकार में जो जॉब होता है वही जॉब, दूसरा ऑप्शन है अनरेगुलर जॉब मतलब इरेगुलर मतलब अनियमित आकार के जॉब, तीसरा ऑप्शन है फ्लैट जॉब, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ जॉब। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फेस प्लेट का उपयोग कौन से टर्निंग के लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इरेगुलर शेप जॉब, मतलब अनियमित आकार की जॉब को जॉब के ऊपर टर्निंग करने के लिए फेस प्लेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन मशीनिंग इज
मशीनिंग एन इरेगुलर शेप्ड वर्कपीस हेल्ड इन द फेस प्लेट। काउंटर बैलेंसिंग इज डन बाय क्लैंपिंग वेट। दिस इज डन। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब मशीनिंग एक अनियमित आकार की वर्कपीस को फेस प्लेट में रखा जाता है तो क्लैंपिंग वेट द्वारा प्रति संतुलन किया जाता है, यह किस लिए किया जाता है यही क्वेश्चन में पूछा है। इसलिए यह कब किया जाता है यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बिफोर माउंटिंग द फेस प्लेट ऑन द स्पिंडल नोज, मतलब बिफोर माउंटिंग मतलब जो आपको फेस प्लेट के ऊपर रखने के पहले, या फिर दूसरा ऑप्शन है आफ्टर माउंटिंग द फेस प्लेट ऑन द स्पिंडल नोज एंड रिमूविंग द वर्क पीस एट द स्लोएस्ट RPM, तीसरा ऑप्शन है आफ्टर माउंटिंग द फेस प्लेट ऑन द स्पिंडल नोज एंड कीपिंग द स्पिंडल इन न्यूट्रल पोजिशन, चौथा ऑप्शन है आफ्टर टॉकिंग द रफ कट आफ्टर टेकिंग द रफ कट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब मशीनिंग एक अनियमित आकार की वर्कपीस को फेस प्लेट में रखा जाता है तो क्लैंपिंग वेट द्वारा प्रति संतुलन किया जाता है, यह कब करते हैं यह क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर माउंटिंग द फेस प्लेट ऑन द स्पिंडल नोज एंड कीपिंग द स्पिंडल इन न्यूट्रल पोजिशन, मतलब स्पिंडल नोज पर फेस प्लेट लगाने और स्पिंडल को न्यूट्रल स्थिति में रखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ मल्टी स्टार्ट थ्रेड इज कट ऑन अ लेथ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक लेथ पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटा जा सकता है ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय चेजर, मतलब चेजर के द्वारा, दूसरा डाई हेड के द्वारा, तीसरा सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा और चौथा ऑप्शन है स्प्लिट डाई। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन पर अगर हमें मल्टी स्टार्ट थ्रेडिंग कट करना है तो किसके सहायता से हम कट कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के सहायता से हम मल्टी स्टार्ट थ्रेड कट कर सकते हैं लेथ मशीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वांट टू फिक्स एन इरेगुलर शेप्ड वर्कपीस ऑन अ लेथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेसरीज इज द मोस्ट अप्रिशिएट। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप एक लेथ मशीन पर अनियमित आकार की वर्कपीस लगाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक उपकरण सबसे उपयुक्त है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है त्रिज्या सेल्फ सेंटरिंग चक, दूसरा ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट, तीसरा ऑप्शन है फेस प्लेट, चौथा ऑप्शन है कैच प्लेट। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि आप एक लेथ मशीन पर अनियमित आकार की वर्कपीस लगाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक उपकरण सबसे उपयुक्त है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेपर टर्निंग मेथड इज यूज फॉर कटिंग स्टेप टेपर, स्टेप टेपर को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस टेपर टर्निंग विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सेट ओवर मेथड, दूसरा टेपर टर्निंग अटैचमेंट, तीसरा फॉर्म टूल, चौथा ऑप्शन है स्वेलिंग द कंपाउंड रेस्ट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टेप के ऊपर अगर हमें टेपर टर्निंग करना है तो उस समय टेपर टर्निंग के कौन से विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वेलिंग द कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट को स्वेल करके स्टेप के ऊपर टेपर टर्निंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स गवर्न्स द सिलेक्शन ऑफ फीड व्हेन टर्निंग अ वर्कपीस, वर्कपीस को टर्निंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक फीड के चयन को अनियंत्रित करता है यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल ज्योमेट्री, दूसरा सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड, तीसरा टाइप्स ऑफ कूलेंट रिक्वायर्ड और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्कपीस को टर्निंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक फीड के चयन को नियंत्रित करता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर हमें कोई जॉब के ऊपर हमें फीड का सिलेक्शन करना है तो ये सब बातों का ध्यान में रखकर फीड की सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द लेथ शुड हैव हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, लेथ मशीन के निम्नलिखित में से किस भाग में हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसके लिए पहला ऑप्शन है बेड, दूसरा मेन स्पिंडल, तीसरा लीड स्क्रू, चौथा स्लाइडिंग गियर्स इन हेडस्टॉक। तो जो क्वेश्चन में पूछा है कि लेथ मशीन के निम्नलिखित में से किस भाग में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ थ्रेड चेसिंग डायल इज नॉट करेक्ट, थ्रेड चेसिंग डायल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यही क्वेश्चन में पूछा है। के लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड चेसिंग डायल इज यूज टू कैच द थ्रेड व्हाइल थ्रेडिंग ऑन लेथ, दूसरा ऑप्शन है वर्म गियर ऑफ चेसिंग डायल एंगेज विद द लीड स्क्रू व्हाइल थ्रेडिंग चेसिंग, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड चेसिंग डायल इज एन एडिशनल पार्ट ऑफ द लेथ कैरेज, चौथा ऑप्शन है थ्रेड चेसिंग डायल
स्टॉप रोटेटिंग वेन द हाफ नट लिवर इज एंगेज। जो क्वेश्चन है पूछा है कि थ्रेड चेसिंग डायल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रेड चेसिंग डायल इज एन एडिशनल पार्ट ऑफ द लेथ कैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट अ फाइन इवन सरफेस ऑन अ वर्कपीस बाय फेसिंग ऑपरेशन ऑन लेथ इट इज नेसेसरी टू हैव। जो क्वेश्चन में पूछा है कि लेथ पर फेसिंग ऑपरेशन द्वारा किसी वर्कपीस पर ठीक सतह प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होता है, इसके लिए पहला ऑप्शन है लो कटिंग स्पीड, फाइन फीड एंड हैवी डेप्थ ऑफ कट, दूसरा ऑप्शन है लो कटिंग स्पीड फाइन फीड एंड लाइट डेप्थ ऑफ कट, तीसरा ऑप्शन हाई कटिंग स्पीड फाइन फीड लाइट डेप्थ ऑफ कट, चौथा ऑप्शन है हाई कटिंग स्पीड फाइन फीड एंड हैवी डेप्थ ऑफ कट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई भी जॉब के ऊपर अगर हमें फाइन फिनिशिंग लाना है तो उस समय कौन सा चीज करना बहुत जरूरी होता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई कटिंग स्पीड फाइन फीड और लाइट डेप्थ ऑफ कट, मतलब कटिंग स्पीड ज्यादा होना चाहिए, उसकी फीड भी कम होना चाहिए और उसकी डेप्थ ऑफ कट भी कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ टेलीस्टॉक ऑफसेट फॉर टेपर टर्निंग इज डन बाय द सेट स्क्रू प्रोवाइडेड, द प्रोसीजर टू बी फॉलो एज। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेपर टर्निंग के टेपर टर्निंग करने के लिए टेलीस्टॉक ऑफसेट की मात्रा प्रदान किए गए सेट स्क्रू द्वारा दी जाती है, तो कौन से प्रोसेस फॉलो करके यही इसे किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है लूजन बोथ स्क्रू एंड पुश द बॉडी ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑफसेट, दूसरा ऑप्शन है लूजन बोथ द स्क्रू एंड पुश द बेस ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑफसेट, तीसरा ऑप्शन है लूजन द स्क्रू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट एंड टाइटन द अदर स्क्रू, तीसरा चौथा ऑप्शन है लूजन द स्क्रू ऑन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड टाइटन द अदर स्क्रू। जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इसे हम शॉर्टकट कर देते टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड से, हमें अगर टेपर टर्निंग करना है तो जब हम टेपर की मात्रा सेट करते हैं तो उसमें कौन से प्रोसेस के मात्रा टेपर को सेट किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूज द स्क्रू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड टाइट द अदर स्क्रू, मतलब जिस साइड में हमें टेपर को सेट करना है उस साइड का स्क्रू ढीला करके उसके अपोजिट साइड के स्क्रू को टाइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज सुटेबल व्हेन द वर्क पीस हेल्ड बिटवीन सेंटर इन इज टू बी टर्न एट हाई स्पीड, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर तब उपयुक्त होता है जब सेंटर के बीच रखी गई वर्कपीस को तेज गति से टर्न किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वॉल सेंटर, दूसरा हाफ सेंटर, तीसरा पाइप सेंटर, चौथा रिवॉल्विंग सेंटर। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि बिटवीन सेंटर में कौन सा सेंटर उपयुक्त किया जाता है जब हाई स्पीड में अगर हमें टर्निंग करना है तो, और बिटवीन सेंटर में जॉब पकड़ के, तो उस समय कौन से सेंटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिवॉल्विंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिक्स स्टडी रेस्ट में कितने पैड लगे होते हैं, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एक एडजस्टेबल पैड, दूसरा दो एडजस्टेबल पैड, तीसरा ऑप्शन है तीन एडजस्टेबल पैड और चौथा ऑप्शन है चार एडजस्टेबल पैड। तो जो क्वेश्चन ने पूछा गया था कि फिक्स स्टडी रेस्ट में कितने पैड लगे होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीन एडजस्टेबल पैड लगे होते हैं फिक्स स्टडी रेस्ट में। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था DRDO सप्टम 10 मैकेनिकल ट्रेड 3 मॉक टेस्ट, इसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, इस तरह के क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। तो इसका PDF भी आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।